नमस्कार दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स की टीम ने रचा इतिहास। फाइनल मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स की टीम के ओपनर बल्लेबाज ने शतक लगाकर हार के मुंह से निकाला अपनी टीम को। तो क्या है पूरे मैच की फाइनल की कहानी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप इंडिया लेजेंड्स की टीम के फाइनल मुकाबला जीतने से बेहद ही ज्यादा खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मुकाबला आज इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स की टीम के बीच खेला गया, जहां इंडिया लेजेंड्स की टीम ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया लेजेंड्स की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना आते ही पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरे छोर पर नमन ओझा ने सेमीफाइनल मुकाबले की तरह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाले रखा और नमन ओझा ने शानदार शतक जड़ते हुए फाइनल मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स की टीम को 20 ओवर में 196 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। और नमन ओझा ने इंडिया लेजेंड्स की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 108 रनों की नाबाद पारी खेली और श्रीलंका लेजेंड्स की टीम की तरफ से फाइनल मुकाबले में सबसे ज्यादा 3 विकेट कुलशेखरा ने चटकाए। और वहीं 196 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका लेजेंड्स की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। इंडिया लेजेंड्स की टीम के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका लेजेंड्स की टीम के 50 रनों पर ही 4 विकेट गिरा दिए और फाइनल मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स की टीम ने श्रीलंका लेजेंड्स की टीम को आसानी से हरा दिया। बल्लेबाजी की तरह गेंदबाजी में भी इंडिया लेजेंड्स की टीम ने फाइनल मुकाबले में कमाल कर दिया और इसी के साथ इंडिया लेजेंड्स की टीम लगातार दूसरी बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मुकाबले को जीतकर इतिहास रचने में कामयाब हुई। तो दोस्तों फाइनल मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स की टीम का कौन सा खिलाड़ी मैच का हीरो रहा, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए भी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।